कहने लगी महाराज कहाँ जा रहे हैं। मोई अपनी दुल्हनिया बनाई लियो सगुनी ले चलियो महाराज हमारा परिचय है। निशाचरों के गुरु हैं ब्राह्मण शुक्राचार्य की बिटिया है हम देवयानी। ब्राह्मण की बेटी पागल हो गई क्या? ब्राह्मण की बेटी बोला मैं तुझे कैसे भर सकता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ। जवाब दो महाराज, आप ये सोच रहे होंगे ब्राह्मण की बिटिया को हम कैसे अपना सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। मुझे श्राप लगा हुआ है मेरे गुरु भाई का, मेरे गुरु भाई का मैं श्राप लगा है। मेरा गुरु भाई और हम जब पढ़ते थे तो मेरा गुरु भाई देखने में बहुत सुंदर था, जिसका नाम था कक्ष, बहुत सुंदर था। तो मैंने उसे कहा कि तू मेरे साथ शादी कर ले। तो मेरे गुरु भाई ने कहा ओरी पगली, तू मेरी गुरु बहन है, धर्म की देवी है, पूजनी है, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी घिनौनी बात करती है तू। तूने ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण कुल जैसी तू बातें नहीं कर रही है। ब्राह्मण कुल में तो तूने जन्म लिया है लेकिन वो तेरे अंदर संस्कार नहीं है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तूने ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण का बेटा तुझे अपनाएगा नहीं, तुझे कोई छत्री लेकर के जाएगा। महाराज तासु कह रहे हमें अपनाए ले। याती कहने लगे ठीक है लेकिन ऐसे नहीं, पहले अपने पिता से अनुमति ले लो। देवयानी याती को अपने साथ लेके घर पे गई। पिता शुक्राचार्य को सारी बात बताई, पिताजी राजा बृहस्पतिभाग की बिटिया सर्विष्ठा हमें कुआं में डाले आई, पूरी रात हम कुएं में पड़े रहे और पिताजी उसने कहा है कि तू भिकमंगा की बिटिया है। पिताजी तुम्हें माने भिकमंगा कहो और पिताजी शायद तुम भूल गए हो जहाँ पर ब्राह्मणों का सम्मान न हो वहां ब्राह्मणों को पलवर फेरना नहीं चाहिए, और तुम रुके हो इस राज्य में। अरे चलो यहां से। जैसे ही शुक्राचार्य राज्य छोड़ करके चले तैसे ही बृहस्पतिभा आ गए, पैरों पर गिर गए। कहने लगे महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? शुक्राचार्य कहने लगे राजन नहीं रहना मुझे तेरे राज्य में, नहीं रहना, तेरी बेटी ने मुझे भिकमंगा कहा है,
मेरी बेटी को कुएं में डाल आई। सारी रात मेरी बेटी कुएं में पड़ी रही। याति ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है, नहीं रुकूंगा इस राज्य में। बरस प्रभाव कहने लगे, महाराज नाराज मत हो, तुम्हारी बेटी और तुम जो चाहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा राज्य छोड़ करके मत जाओ। राज्य छोड़ करके मत जाओ। इसी के बीच में आप सभी ने देखा नोटों की हार से सम्मानित करके गई है हमारी भाभी जी श्रीमान श्री हरपाल सिंह यादव जी की धर्म पत्नी, जिनके पास रह करके मुझे मेरी हकीकत में भाभी का प्यार मिल रहा है, जिससे मुझे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि आज हमारे 5 दिन किस तरह से निकल गए। सच बता, बहुत बहुत अलौकिक प्यार मिल रहा है इनकी फैमिली में। पिछली बार भी मिला, लेकिन सच बताऊं पहली बार आते हैं तो ज्यादा ही स्नेह मिलता है, दूसरी बार कहीं के जाते हैं तो स्नेह में थोड़ा मिलावट हो जाती है, जैसे दूध में पानी है ना। लेकिन सच बताऊं तहे दिल से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, पिछली बार से कई गुना ज्यादा इस बार मुझे स्नेह मिल रहा है। वो तो आप ही देख रहे होंगे, सभी को दिख रहा होगा है ना महाराज। लेकिन कुछ होते हैं और कुछ हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब गुरुदेव विश्वामित्र ने यज्ञ किया था तो राक्षस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए थे नहीं महाराज। और जब तक इस यज्ञ में भी, सप्ताहिक यज्ञ में भी राक्षस रूपी दो चार आए नहीं, तब तक वो कार्य भी सफल नहीं होता, याद रखना, आना चाहिए। तो प्रार्थना करेंगे मेरी भाभी का सुहाग अमर रहे, कान्हा जी कृपा बरसाएं, जीवन में कले वेदना ना आए, मां लक्ष्मी दाहिनी निवास करे, व्यास जी से प्रभु से प्रार्थना है। उली भक्ति और भगवान की महाराज। सबसे बड़ा खेद मुझे ये होता है, पता नहीं लोगों का मैंने क्या खा लिया, और ये समझ में नहीं आता, पता नहीं उनके घर से गहना चुरा लाए या फिर उनकी कौन सी डकैती डाल ली मैंने, पता नहीं कैसे दुश्मन बन गए हम उनके। लेकिन क्षमा करना, उनकी नजर में हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरे लिए सब एक है, क्योंकि सब मेरे लिए, क्योंकि हम तो परदेसी हैं, मेरे लिए कोई पराया नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की, आई जहां पॉइंट चल रहा था, शुक्राचार्य से बरस प्रभा कहने लगे कि महाराज हमारे राज्य को छोड़कर की मत जाइए। मेरी बेटी ने जो तुम्हारी बेटी के साथ में किया, उसका जो भी आप मेरी बेटी को दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, लेकिन आप राज्य छोड़ के मत जाइए। शुक्राचार्य कहने लगे कि ही राजन, अगर दंड देगी तो मेरी बेटी देगी, मेरी बेटी देगी। देवयानी को बुलाया गया तो देवयानी ने कहा, राजन बृहस्पति प्रभा जी, अगर आप मेरे पिता को अपने राज्य में रखना चाहते हो तो एक शर्त है, हम अपना विवाह याति के साथ कर रहे हैं और तुम्हारी बेटी सर्विष्ठा मेरी वांधी बन के जाएगी। बोले ठीक है, शर्तें मंजूर हुई, ब्राह्मण शुक्राचार्य की बिटिया को विवाह राजा याति के साथ में वयो है, बृहस्पति प्रभा राजा की बिटिया बांधी के रूप में गई। विदाई के समय, विदाई के वक्त शुक्राचार्य ने, विदाई के समय शुक्राचार्य ने याति से ये वचन दिया है कि हे राजन, हर्षोल्लास करोगे तो मेरी बेटी के साथ, हर्षोल्लास करोगे तो मेरी बेटी के साथ
भूल करके भी तुम बांधी के पास मत जाना। अगर तुम बांधी के पास गए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। याती बोली ठीक है, शर्तें मंजूर हुई। सर्वेष्टा देवयानी को लेकर के घर पर गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से दो प्रसव में देवयानी के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया है यदु और दुर्वश। सर्वेष्टा को ये खबर मिली कि देवयानी के दो बच्चे हुए हैं, तो सर्वेष्टा को कष्ट हुआ। कष्ट हुआ तो सर्वेष्टा एक दिन महाराज याति की रास्ता घेर लेती है। वो जवाब दिया, श्रीमन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते चले जाओ। बोले क्या? मेरा एक प्रश्न का उत्तर देते चले जाओ कि दूल्हा की शादी में जो दहेज आता है वो दहेज किसका होता है? महाराज दूल्हा की शादी में दहेज आवे वो दहेज कौन को होवे? बताओ 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 महाराज। परीक्षित महाराज करे दुल्हन को होवे। दुल्हन को न होवे, दुल्हन तो खुद दहेज में आई है। दुल्हन ही दहेज है। किसका हुआ? दूल्हा का। किसका हुआ? दूल्हा का। याती कहने लगे, अरे इसमें क्या शक है? अरे भाई दूल्हा की शादी में दहेज आया, दूल्हा का होगा और किसका होगा? क्योंकि दुल्हन तो स्वयं दहेज में आई है। तो सर्वेष्टा कहने लगी, बस महाराज यही